जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि परिंदों को जो आप दाना डालते हैं, चाहे वो जितना भी साफ़ हो ना, उसको कोशिश किया करें एक दफ़ा फिर मार्केट से लाने के बाद ख़ुद भी साफ़ कर लिया करें, चाहे आपकी जितनी भी तसल्ली हो। वो अच्छा होता है, ज़रा डस्ट वगैरह ये वो दाना ज़रा नीट हो जाता है। तो दोस्तों उसका तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है। तो मैं जब भी दाना डालने लगता हूँ तो मैं जितना मेरा दाना इस्तेमाल होता है उसको मैं खुद से एक दफ़ा तसल्ली हो जाती है, मैं खुद से साफ़ करता हूँ। तो आएँ दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे साफ़ करते हैं। जी दोस्तों, तो ऐसे एक मैंने ये पंखा रखा हुआ है इसी काम के लिए, दाना साफ़ करने के लिए। और ये नीचे जो है ना टब रखने में होता है इस तरह से साफ करने के लिए। ये बाल्टी में मैंने दाना जो मेरा इस्तेमाल होता है तो इसको मैं ऐसे उठा लेता हूँ और उनके सामने इसको कोशिश करते हैं कि ये ऐसे हवा में इसको दोस्तों। तो ये देखें, ये दाना मेरा बिल्कुल नीट हो गया। दाना ऑलरेडी बहुत अच्छा था लेकिन मैंने फिर भी इसको जो है ना साफ़ किया है। ये इसमें से देखें थोड़ा सा जो है ना कि कचरा वगैरह निकला है, वो होता है, ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है, ये सारी चीज़ें पिसी होती हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी टिप थी, तो मैंने कहा चलें दोस्तों से भी शेयर करें। तो जितना भी साफ दाना हो एक दफ़ा अपनी तसल्ली के लिए, मैं तो अपनी तसल्ली के लिए इसको एक दफ़ा फिर नीट कर लेता हूँ मार्केट से लाने के बाद। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है मलिक अकबर टवाना पिजन्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो फिर दोस्तों एक अच्छी वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।